दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब फॉर सब के बारे में, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब फॉर सब करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब फॉर सब करते हो तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, साथ ही साथ आपको मोटिवेट भी करूंगा कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर सब फॉर सब करते हो क्या आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप भी अपने YouTube चैनल पर सब फॉर सब करते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको मोटिवेट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको पता भी लग जाएगा कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर सब फॉर सब करते हो क्या आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, और रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब मैं आप सभी को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, किसी के चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी पे 2 लाख सब्सक्राइबर है, और किसी किसी के चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर है। जैसे कि हम मनोज दे को ले लेते हैं, उसके यूट्यूब चैनल पर 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि 30 लाख उसके चैनल पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उसकी वीडियो पे व्यूज कितने आते हैं, 2 लाख 2.5 लाख इतने व्यूज आते हैं, और जो 28 लाख सब्सक्राइबर है वो कहां गए। तो यही यूट्यूबर्स आपको डीमोटिवेट कर देते हैं इस तरह की वीडियो बनाकर कि अगर सब फॉर सब करोगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज ऑन नहीं होगा। तो यहीं से आप सोच सकते हो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने जब अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उनको यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलते थे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उन्होंने खुद किया अपने यूट्यूब चैनल पर सब फॉर सब। मैं ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको स्टार्टिंग में यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल तो मेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता था कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने भी सब फॉर सब किया जब मेरे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं था। तो ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब फॉर सब करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए तो आपको अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करना पड़े आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी छोटे छोटे YouTube क्रिएटर्स होते हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हाँ, एक गलत बात ये होती है कि अगर आप कहीं से सब्सक्राइबर परचेज करते हो, कहीं से व्यूज परचेज करते हो, किसी भी वेबसाइट से वहां पर वॉच टाइम परचेज करते हो तो वो गलत बात होती है, उससे आपका चैनल मोनेटाइज में प्रॉब्लम आ सकती है। पर आप जो सब फॉर सब करके सब्सक्राइबर इंक्रीज करते हो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता होता। वो भी स्टार्टिंग में अपने दोस्तों को बोलते होंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो तो नहीं एक साथ सब्सक्राइबर लेके आ गए अपने यूट्यूब चैनल पर कि उन्होंने चैनल स्टार्ट किया और उनके चैनल पर लाखों में एक साथ सब्सक्राइबर आ गए, मिलियन में उसके चैनल पर एक साथ सब्सक्राइबर आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए सब फॉर सब कर सकते हो, अपने दोस्तों को बोल सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब ने अभी के टाइम में एक अपडेट भी लेके आया जिससे अब आपके सब्सक्राइबर हाइड बिल्कुल भी नहीं होंगे। जितने भी आपके चैनल पर सब्सक्राइबर होंगे, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 या फिर 10, 20, जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो ऑडियंस को 100 होंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप सब फॉर सब करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा कि जब आपके YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए
तो आपको ये काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे रेगुलर ही करते रहोगे सब फॉर सब करके, तब आपके YouTube चैनल पर प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अपने यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए सब फॉर सब करते हैं। आपको मैं ये कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा काम करते हैं सिर्फ 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। एक बात जरूर होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस कमेंट करते हैं कि सर मैंने ये काम कर लिया, मेरे सब्सक्राइबर डिक्रीज हो गए, तो मैं ये आपको बोलूंगा कि अगर आप अपने चैनल पर सब फॉर सब करके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे तो उसमें से 20 सब्सक्राइबर डिक्रीज जरूर होंगे, 80 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर जरूर रहेंगे। अगर आप 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे तो आपके उसमें से भी कुछ सब्सक्राइबर डिक्रीज होंगे। ये कोई मतलब कि होता नहीं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, मैं कोई आपको झूठ बात नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलता हूं दोस्तों। तो ये जो आपके माइंड में बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आपके माइंड में एक बात घुसा रखी है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। अगर आप अपने चैनल पर किसी भी तरह से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब सब्सक्राइबर हाइड बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये चीज को लेकर मैंने सोचा कि मैं छोटे यूट्यूबर्स को मोटिवेट करूं, क्योंकि वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाते अपने यूट्यूब चैनल पर, और मेरे को भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों, आप 1K सब्सक्राइबर कर सकते हो किसी भी तरह से। जब आपका 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो आप इसको छोड़ सकते हो, फिर रेगुलर काम कर सकते हो। क्योंकि एक चीज आप खुद सोच सकते हो, जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जब उनके यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पाते तो वो चैनल को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कि काम करना बंद कर देते हैं। अगर वो किसी ना किसी तरह अपने YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सोचते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ मेहनत करके सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, तो वो अपने YouTube चैनल पर रेगुलर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज से इसको मोटिवेट मिलती है। तो बड़े यूट्यूबर्स की आपको बात बिल्कुल भी नहीं सुननी। अगर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ तो किसी भी तरीके से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, जिससे आपको मोटिवेट मिले और आप अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर काम करते रहो दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, मोटिवेशन आपको मिलेगा और आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आप सब फॉर सब कर सकते हो, जब पूरा हो जाए तब इस चीज को छोड़ देना दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।